नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवस्थान एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं इस समय आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ उत्तरकाशी के। आप इस समय का मौसम देख सकते हैं, कितनी अच्छी धूप खिली हुई। और ये मेरे सामने जो है श्राइन बोर्ड, यहाँ से गंगोत्री जी की दूरी 103 किलोमीटर रहती है, गंगनानी यहाँ से 49 किलोमीटर है। और दोस्तों, यहाँ से जो है उत्तरकाशी 4 किलोमीटर और भटवाड़ी 34 किलोमीटर यहाँ से सफ़र रह जाता है। आज आप लोगों को माँ गंगोत्री के दर्शन कराने वाला हूँ, माँ गंगोत्री जी लेके जाने वाला हूँ और सुंदर सुंदर व्यूज़ दिखाने वाला हूँ और कांवड़ यात्रा, चार धाम यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं देवस्थान एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के साथ माँ गंगोत्री की पावन यात्रा पर। ये आप देख सकते हैं चार धाम यात्रा आल वेदर रोड। इस समय मैं ऋषिकेश से उत्तरकाशी के बीच में और आप भीड़ देख सकते हैं रोड पर कितनी है और यात्री जो है ना के बराबर इस समय यात्रा में देखी जा रही। और इस समय गंगोत्री के लिए और माँ गंगोत्री के दर्शन और कांवड़ यात्रा दिखाने वाला हूँ आपको। दोस्तों, कांवड़ जो यात्रा यही से शुरू होती है माँ गंगोत्री, माँ गंगोत्री और गोमुख से जो है पहला जल यही से जो है भक्तियों का और यहीं से जल दोस्तों बोले भक्त अपने शिव मंदिर को अपने शिव मंदिरों तक लेके जाते हैं। और आपको पूरा व्यू पूरी जानकारी देने वाला कितनी भीड़ है इस समय तक किया और कितनी भीड़ है इस समय चार धाम में आप भी आना चाहते कैसे प्लान करो। और मौसम आप देख सकते हो इतना सुहाना साफ मौसम है दोस्तों। रात को बारिश हुई थी सुबह 4 बजे के आसपास, आधा घंटा बारिश चली गई, उसके बाद बारिश रुक गई और अब मौसम बहुत ही साफ सुथरा आप देख सकते हो। नीले आसमान और सफेद बादल जो है शोभा बढ़ाते हुए चारों तरफ हिमालय की वादियाँ ये व्यू आप देख सकते हो अच्छे से। तकरीबन 12 बजे और आज हम लोग जाएंगे गंगोत्री, वहाँ से आपको दर्शन कराने वाले व्यूज देखते रहिए, रोड के नजारे लेते रहिए। देख सकते हैं आप ये आश्रम रिसीवर लगे हुए भोले के भक्तों के जो कि कांवड़ लेने आते हैं उनके लिए यहाँ रहने रुकने खाने की व्यवस्था है, शिविरों में की जाती है और ये बिल्कुल निःशुल्क रहता है। किसी भी तरह का चार्ज रुकने रहने खाने का भक्तों से भोलों से नहीं लिया जाता, फूलों से नहीं लिया जाता। ये आप देख सकते हैं गंगा जी का जल जो है काफी मटमैला इस समय यहाँ से दिखाई दे रहा है कि पहाड़ों में ऊपर बारिश हो रही है। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं इस समय यात्रा को मौसम काफी अच्छा देख सकते हैं, चारों तरफ धूप खिली हुई है। और मैं इस गंगोत्री रूट पे अभी तक मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने किसी भी तरीके का स्लाइड नहीं देखने को मिला, रास्ते साफ बड़ी आसानी से और वो कांवड़ियों की भीड़ आप देख सकते हैं पहुंच रही है कांवड़ उठा के गंगोत्री से अपने अपने शिव मंदिर तक और काफी बड़ी संख्या में दोस्तों कांवड़िए गोमुख और गंगोत्री से जल लेके आते हैं। ये आप देख सकते हैं भोले बाबा के भक्त हर हर महादेव, ये देख सकते हैं कांवड़ी कैसे कैसे भोले हुए लेकर चले हुए और माँ गंगा गौतम की बात देख सकते हैं। तो जैसी खबरें आ रही थी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, ऐसा नहीं है। देख सकते हैं अनेकों स्टेट से यात्री और पहुंचते हैं माँ गंगा दरबार पर, वहां से जल लेकर सावन के भोगने में भोले बाबा को चढ़ाते। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, चैनल बन गया सब्सक्राइब जरूर करना
और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी समय चार दिन यात्रा या कांवड़ यात्रा जाना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट जानकारी हमारे ब्लॉग से मिल जाएगी।